खबर है कि जानवी कपूर और ईशान खट्टर आ सकते हैं नजर इन द हिंदी रीमेक ऑफ विजय देवराकोंडा सुपरहिट फिल्म डियर कॉमरेड। और इस फिल्म की हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं ईशान और जानवी के मेंटर करण जौहर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 53 ईयर एज में आके भी आज भी है वो बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स। और उन्होंने हाल ही में एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्हें है ये बात की दुख कि कभी भी किसी लड़की ने उन्हें नहीं किया है अप्रोच विद अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। आलिया भट्ट की BFF आकांक्षा रंजन कपूर जल्द ही करने जा रही है अपना एक्टिंग डेब्यू इन करण जौहर्स नेटफ्लिक्स शो गिल्टी। और खबरों के मुताबिक आलिया कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर कहीं यूजफुल टिप्स टू फेस द कैमरा। सलमान खान स्टारर सुपर हिट फिल्म किक का आज हुआ है 5 ईयर्स कंप्लीट। किक के प्रोड्यूसर साजिद नाडियनवाला ने इस एनिवर्सरी पे शेयर किया है एक इमोशनल मैसेज ये कह के कि वो फील कर रहे हैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक ऑन दिस डे एंड ही हैज स्टार्टेड पेनिंग डाउन द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द हिट फ्रेंचाइज एंड द प्रोड्यूसर प्रॉमिस्ड दैट द डेविल विल रिटर्न सून। एंड एज पर रिपोर्ट सलमान खान इस फिल्म के सेकेंड इंस्टॉलमेंट में देवी लाल अका डेविल के रोल में आएंगे नजर। और इस फिल्म के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के जैसे जैकलिन फर्नांडिस आएंगी इस सीक्वल में भी फीमेल लीड में नजर। दोस्ताना 2 के प्रोड्यूसर्स धर्मा प्रोडक्शन से एक क्लोज्ड सोर्स ने किया रिवील कि क्यों इस फिल्म के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के डायरेक्टर तरुण मंचखानी नहीं करने वाले हैं इस फिल्म के सीक्वल को डायरेक्ट। एज पर द सोर्स पिछले 11 साल से तरुण नहीं आ पाए कुछ भी इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ to conceptualize the second installment of the film. और उसी के चलते करण जौहर के पास नहीं था और कोई choice but to rope in a new director and a fresh cast for the sequel. Dostana 2 को इस बार direct करते हुए नजर आएंगे director Colin De Cunha and the film will star Kartik Aryan and Janhvi Kapoor in the lead roles. Social media पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के एक mysterious girl के साथ dance करते हुए photos हो रहे हैं viral. कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि आर्यन खान is dating a London based blogger. और अब आर्यन के एक mysterious girl के साथ dance करते हुए photos छा गई है social media पे. Where the duo is seen sharing a sizzling chemistry which is making everyone wonder if she is his girlfriend. खबरों के मुताबिक शाहिद कपूर ने अपनी हिट फिल्म कबीर सिंह के सक्सेस के बाद किया था अपना फी हाई टू ₹40 crore पर फिल्म एंड द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द एक्टर हैज एलिजिडली डिमांड ₹40 crore टू एक्ट इन द हिंदी रीमेक ऑफ तेलुगु हिट फिल्म जर्सी। पर इन सभी रूमर्स को ठुकराते हुए शाहिद ने किया रिवील कि उन्हें पहले करना है अपना नेक्स्ट फिल्म साइन टू रिसीव एनी काइंड ऑफ मनी। खबर है कि शाहरुख खान को किया गया ऑफर टू स्टार इन साजिद नाडियनवालास नेक्स्ट लैंड ऑफ लुंगी। और शाहरुख से क्लोज एक सोर्स ने किया इस न्यूज को कंफर्म्ड ये कह के कि शाहरुख को किया गया है ये फिल्म ऑफर जो कि डायरेक्ट करने वाले हैं फराद समझी। और उन्होंने ये भी कहा कि किंग खान को पसंद आया है इस फिल्म का स्क्रिप्ट बट द एक्टर हु इज करंटली रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स हैज नॉट येट डिसाइडेड टू साइन हिज नेक्स्ट but he has not yet taken any official call on the same. Global icon Priyanka Chopra and Indian cricketer Virat Kohli ban gaye hain the only 2 Indians to make it to the Instagram rich list of 2019. OpperHQ.com naam ki ek UK based social media management company ne kiya hai published इस प्रेस्टीजियस लिस्ट को जहां प्रियंका चोपड़ा विद अ फॉलोअर ऑफ 43 मिलियन ऑन द फोटो ब्लॉगिंग साइट has occupied the 19th spot with an earning of 1.87 crore per sponsored Instagram post. और वहीं विराट कोहली ने किया है 23rd position को अचीव, who has 36 million followers in his handle and charges ₹1.35 crore per promotional post. Actress Kiara Advani ने किया reveal कि Bollywood में debut करने से पहले उनका नाम था आलिया अडवानी, लेकिन सलमान खान ने उन्हें किया था suggest to change his name so that the audience doesn't confuses her with Alia Bhatt. और इसी के चलते कियारा ने प्रियंका चोपड़ा के अनजाना अनजानी के किरदार से इंस्पायर होके रखी थी ये नाम।
For more update on Bollywood and entertainment, keep watching Movie Talkies.